This video slash stream is sponsored by Trader Central. Trader Central provides funding for traders, spot cryptocurrency exchange services and access to trading tools like copy trade software, portfolio tracking and a social platform exclusive for communicating with trader friends. Sign up now using the link in the description and get up to 30% off on your first plan. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका लास्ट ट्रेडिंग वीक बहुत अच्छा गया होगा ये जो है हमारा एक फ़ॉरेक्स का फोकास्ट है यानी कि इसमें हमारे सिर्फ फ़ॉरेक्स एक्स के कन्सी पेयर्स होंगे तीन चार जिनको मैं फॉलो करता हूँ उनका मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ वीकली अपडेट होगा डेली में मैं इतनी फोकास्ट नहीं बना सकता टाइम नहीं होता डेली में सिर्फ हम गोल्ड को फॉलो करेंगे या फिर एक दो पेयर्स हम ऐड कर लेंगे जिनका आप कहेंगे लेकिन वीकली में मैं आपको फोरेक्स और इंडिसेस का फोरकास्ट दिया करूंगा तो ये डे वीकली फोरकास्ट है हमारा फॉरेक्स का अभी हम यू एस कैड के पेयर में है यू कैड का ये वीकली चार्ट है इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ट्रेंड बेरिश था वीक में भी आ, ये यहाँ से गिर रहा था तकरीबन 1.42940 से ये गिरता हुआ नीचे आया और यहाँ पे इसने वीकली में एक बेरिश फ्लैग बनाया था अभी जो है ये लास्ट थ्री वीक से बेरिश फ्लैग का ब्रेकआउट कर चुका है ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट होता है जैसा कि तो अभी तक इसने रीटेस्ट नहीं किया तो अब नेक्स्ट वीक की ट्रेड क्या हो सकती है इसको हम ट्रेड बेरिश ही करेंगे जब तक ये इस बेरिश फ्लैग में अगर ब्रेक इन कर जाता है तो अलग बात है तब ये बुलिश हो सकता है अदरवाइज इसको बेरिश ट्रेड किया जाएगा तो ये अगर नीचे यहाँ अब इसने ब्रेकआउट किया तो ये ऊपर की तरफ यहाँ पे टेस्ट करने जा सकता है यानी कि वन पॉइंट टू सेवन डबल थ्री फाइव के जोन में ये यहाँ पर टेस्ट करता है तो यहाँ से इसको सेल किया जाएगा जबकि आपका स्टॉप लॉस इसमें जो है वन पॉइंट हमारे पास टू सेवन टू सेवन एट हंड्रेड तक का होगा वन पॉइंट टू सेवन डबल एट जीरो का हमारा स्टॉप लॉस होगा इसमें और इसमें अगर प्रॉफिट टारगेट की बात करें तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं वन पॉइंट टू थ्री फाइव सेवन टू तक ये आपका फर्स्ट प्रॉफिट टारगेट होगा अगर ये इसके नीचे वीकली कैंडल क्लोज करेगा तो सेकंडली पॉफिटा घटिया यहाँ तक आ सकता है ट्रेंड इसका बेरिश है लेकिन इसकी शर्त यह है कि अगर ये इसके नीचे ही रहे इस बेस फ्लैग की ट्रेंड लाइन करेगा अगर ये उसके ऊपर ब्रेक इन कर गया डेली में या वीकली में तो ये बुलिश हो सकता है तो इसको भी हम डेली के चार्ट में देख लेते हैं जी दोस्तों डेली के चार्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास अगेन वही एक सिचुएशन वीकली चार्ट की तरह थी एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन थी जिसको ये आ, स्पोर्टिंग ट्रेंड लाइन बना के ऊपर की तरफ तो चला जाता था यहाँ से स्पोर्ट लेके इसने यहाँ पे स्पोर्ट ली फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम यहाँ पे स्पोर्ट ली और थर्ड टाइम जो है इस ट्रेंड लाइन से यहाँ पर स्पोर्ट ले चुका है अब फोर्थ टाइम इसने इसको यहाँ पर ब्रेकआउट किया था और इसका यहाँ पर टेस्ट भी हो चुका है तो अगेन अगर नेक्स्ट वीक में ये आपको यहाँ पे टेस्ट करता हुआ दिखाई देता है यानी कि 1.26635 या 1.26726 के एरिया में यहाँ पे टेस्ट आपको दिखता है इसका डेली के चार्ट में तो यहाँ से आप इसको कंफर्मेशन पे सेल करेंगे सेलिंग में आपका फर्स्ट प्रॉफिट टारगेट जो है 1.25650 होगा जबकि सेकंड प्रॉफिट टारगेट आपका वन पॉइंट तक 900 तक हो सकता है अगर डेली के चार्ट में ये इस ब्लैक लाइन जो कि वन पॉइंट टू फोर सेवन हंड्रेड पर इसका ब्रेकआउट करता है इसके नीचे डेली की कैनल क्लोज करता है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं वन पॉइंट टू थ्री फाइव हंड्रेड या सिक्स हंड्रेड तक लेकिन अगर ये इस ट्रैंड लाइन के ऊपर डेली की कैनल क्लोज कर जाए तो ये ट्रेड जो है इन्वेलेड हो जाएंगी सेल की तब ये ब्लिश हो सकता है और ये ऊपर की तरफ जा सकता है तो ये इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है तो ये यू एस डी की सिचुएशन है अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ जी दोस्तों नेक्स्ट पेयर जो हमारा है वो यो यू है और यू ये यूरो का वीकली चार्ट है इसमें अगर हम देखें तो योरोस डी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था जिसको इसने यहाँ पे स्पोर्ट बनाया सेकंड टाइम यहाँ पे स्पोर्ट बनाया और थर्ड टाइम यहाँ पे इस इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया वीकली में इसके ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है अब जैसा कि इसने वीकली में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है तो हम वेट करेंगे कि ये ऊपर की तरफ जाए और यहाँ पे ये री टेस्ट करें ये री टेस्ट करने के लिए ये वन पॉइंट जीरो एट डबल सेवन टू तक भी आ सकता है क्योंकि वीकली में ये ऊपर की तरफ हमें वीक भी दे सकता है तो आपने इसको बेजस्ट ट्रेड करना है तो आपने यहाँ पे बेजस्ट इंट्री फाइंड करनी है वन पॉइंट जीरो एट सेवन टू फाइव या वन पॉइंट जीरो एट एट हंड्रेड तक के जोन से यहाँ से जब आप इसको सेल करेंगे तो अपना स्टॉप लॉस आप इसको देंगे वन पॉइंट जीरो नाइन वन सेवन जीरो या वन पॉइंट जीरो नाइन टू हंड्रेड का इसको अपना स्टॉप लॉस देंगे जबकि इसके इसमें आपका प्रॉफिट टारगेट जो है वन पॉइंट जीरो सिक्स नाइन हंड्रेड तक या नाइन फिफ्टी तक हो सकता है तो अगर इसका 950 का ब्रेकआउट हुआ इसके नीचे वीकली कैनल क्लोज हुई तो ये नीचे वन पॉइंट तक आ सकता है अभी हम इसको डेली के चार्ट में देख लेते हैं जी डेली के चार्ट में अगर हम देखें तो तकरीबन सिचुएशन हमारे पास सेम ही है एक ट्रेंड लाइन थी जिसको ये स्पॉट बना के ऊपर की तरफ चला जाता था स्पोर्ट लेके इसने यहाँ पे से स्पोर्ट ली पास्ट में देखें तो ये नीचे और भी स्पॉर्ट ले चुका है इस ट्रेंड लाइन से यहाँ पे देखें स्पोर्टली अभी जो है लाइन का डेली में ब्रेकआउट हो चुका है और इसका ट्रेंड वैसे ही बेस चल रहा है योगा का तो इसमें नेक्स्ट आप मंडे क्या ट्रेड कर सकते हैं कि नेक्स्ट मंडे अगर ये आपको मिलता है 1.08468 या 1.08750 तक या 770 तक ये यहाँ पे यू टेस्ट करने जाता है यहाँ पे आपको मिलता है और ये बेस की कंफर्मेशन देता है आपको लोअर टाइम फ्रेम में एक घंटे या चार घंटे में तो ये यहाँ से अगेन सेल हो सकता है इसमें आपका स्टॉप लॉस जो है आप इसको वन पॉइंट या वन पॉइंट तक आप दे सकते हैं ठीक है यहाँ इस ट्रेंड इस लाइन तक यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखें प्रॉफिट टारगेट आपका इसमें वन तक होगा नाइन के नीचे डेली की कैनल क्लोज हुई तो वन uh, 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 या एट तक हो सकता है आपका स्टॉप नेक्स्ट सेकेंड प्रॉफिट टारगेट ये लॉन्ग टर्म ट्रेड्स हैं लंबी ट्रेड्स में आपको बता दूँगा लेकिन इसके फर्स्ट प्रॉफिट टारगेट एक वीक में अचीव हो सकते हैं और इनका इनकी शर्त यही है कि अगर ये इन ट्रेड लाइन्स के नीचे रहते हैं इनके ऊपर ब्रेक इन कर जाएँ डेली की कैनल के ऊपर क्लोज कर जाएँ तो फिर ये मेरी ट्रेड्स इनवेलड हो जाएंगी आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है अगर ये डेली में इनका ब्रेक इन कर जाएं तो अपने स्टॉप लॉस हिट होने का वेट नहीं करना आपने पहले ही एग्जिट हो जाना है अभी हम चलते हैं अपने ने, नेक्स्ट पेयर की तरफ जी ये जो है जी बी पी यू एस डी का हमारे पास वीकली चार्ट है जी बी पी की सिचुएशन अभी इतनी क्लियर नहीं है क्योंकि ये एक फॉलोइंग वेज पैटर्न को फॉलो कर रहा है वीकली चार्ट में अभी तक ये इसकी स्पोर्टिंग लाइन पे नहीं आया और इसने यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाया हुआ है तो ये यहाँ से ऊपर थोड़ा सा जा सकता है अगेन ये यहाँ से आपको सेल होता दिखाई दे सकता है वन पॉइंट थ्री वन एट डबल वन एट एट डबल वन वन पॉइंट थ्री वन एट सिक्स एट से आपको सेल होता हुआ दिखाई दे सकता है और नीचे आप इसको यहाँ तक सेल कर सकते हैं वन पॉइंट टू नाइन टू जीरो फाइव और यहाँ जब, जब अगर ये अपनी स्पोर्टिंग लाइन पर आता है तो यहाँ से ये अगेन बाय हो सकता है तो ये यहाँ पे डबल बॉटम बना है डबल बॉटम पे यहाँ से छोटे से स्टॉप लॉस यानी कि टाइट स्टॉप लॉस से बाय भी हो सकता है और आपका प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे 1.32 हमारे पास हमें वन पॉइंट थ्री तक निकलेगा फर्स्ट प्रॉफिट टारगेट इसमें हम बाएगा और यहाँ से फिर अगेन हम इसको सेलिंग देखेंगे अभी हम इसको डेली के चार्ट में देख लेते हैं क्या पता तो वहाँ पर थोड़ी क्लियर सिचुएशन हो जाए हमारे पास जी डेली के चार्ट में अगर हम देखें तो इसने ये डबल बॉटम बनाया है और ये बे सॉरी बुले सिंगल फिंग भी बनाई है डेली के चार्ट में अगेन अगर ये इस बुले सिंगल फिंग के लो को टेस्ट करता है और स्पोर्ट को टेस्ट करता है वन पॉइंट थ्री ट्रिपल ज़ीरो के स्पोर्ट को टेस्ट करता है तो यहाँ से कन्फर्मेशन पे बाय होगा अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम में ये बाइंग की कन्फर्मेशन दे तो यहाँ से बाय करके आपका फर्स्ट प्रॉफिट टारगेट जो है वन पॉइंट थ्री टू जीरो नाइन वन पॉइंट थ्री टू डबल जीरो या ट्रिपल जीरो तक हो सकता है यहाँ पर ठीक है इसके ऊपर अगर ये डेली की कैनल क्लोज करेगा तो फिर अगेन ये ऊपर की तरफ यहाँ तक जा सकता है और फिर यहाँ से आपको सेल होता हुआ दिखाई दे सकता है वन पॉइंट डबल थ्री सेवन फिफ्टी तक के लिए लेकिन अगर ये स्पोर्ट को डेली में ब्रेक कर दे और यहाँ से आपको बाइंग की कंफर्मेशन नहीं होती तो ये फिर अगेन यहाँ से बाय हो सकता है अपनी स्ट्रैंड लाइन से ये स्ट्रैंड लाइन बड़े लंबे अर्से से चली हुई आ रही है वही फॉलिंग वेज जैसा कि वीकली चार्ट में है तो ये आप देख सकते हैं स्टैंड लाइन पे यहाँ से बाय हो सकता है अगर ये सपोर्ट का ब्रेकआउट कर दे तो अपने स्टैंड लाइन पे यानी कि आप वेट करेंगे 1.28 uh, ट्रिपल जी तक है यहाँ पर आप इसका वेट करेंगे अगर यहाँ पे आपको मिलेगा तो यहाँ से ये यह अच्छे लेवल है बाइक का और यहाँ से फिर ये लॉन्ग टर्म के लिए बाय हो सकता है वन के लिए ठीक है अगर आप यहाँ से डबल बॉटम से बाई हैं तो आप इसको टाइट सा स्टॉप लॉस देंगे छोटा सा इस बुले सिंगल फिंग के लोगों के पास यानी कि वन हमारे पास सिक्स का स्टॉप लॉस निकल रहा है या सिक्स थर्टी भी आप इसे कर लें तो ये जो है हमारी फोरएक्स की फोरकास्ट है इसमें जो पेयर्स मैं फॉलो करता हूँ तीन पेयर्स इनका ही मैंने आपको बताया है अगर इनकी फोरकास्ट आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट में बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीक आपके लिए डिटेल्ड फोरकास्ट बना सकूँ अभी मैंने आपके लिए शॉर्ट फोरकास्ट और टू दी पॉइंट फोरकास्ट बनाई है और इसमें जो जो मैंने आपको बताया है उसमें तमाम स्टॉप लॉसेज हैं और मेरी कुछ मतलब के शिकायत भी हैं कि अगर ब्रेक आउट ऊपर की तरफ हो गया ब्रेक नीचे की तरफ हो गया तो मेरी ट्रेड्स जो है हो जाएंगी तब आपने उनको फॉलो नहीं करना तो कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आप वीकली फोरकास्ट चाहते हैं तो हम इनको वीकली पे डिटेल से डिस्कस किया करेंगे डेली में पहले जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं सिर्फ गोल्ड को ही फोरकास्ट कर सकता हूँ इतना टाइम नहीं होता कि हर पेयर को फोरकास्ट किया जाए सो गुड लक फॉर योर ट्रेड्स अल्लाह हाफिज़